to the guardians of the Eastern Watchtower. Western देशों में pagan यानी non-Christian ideology काफी popular हो रही है. Welcome home to my community. A ward is a type of protection spell, but it's used for preventative purposes. These are the zodiac signs who are the most humble according to your tango. Your right hand is used for actions, while your left hand is used for intuition. और ये कैसे समय पर हो रहा है जब Indian practices जैसे yoga और meditation भी अमेरिका में बहुत popular हो रहे हैं. लाखों लोग इन्हें practice कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी बन गई है. Hello everyone, welcome to Yoga with Adrienne. I have an awesome yoga sequence for you today. We're going to begin in a cross-legged position. We call this Sukhasana. It's also a great way to start your day in the morning. Close your eyes. No need to pretend to be anywhere else. और ये practices इतनी बड़ी हो गई हैं कि कई Christian conservatives भी इस बात से बहुत नाराज हैं. Worshipping pagan idols to own the traditionalists, to own the conservatives. और वो नाराज इसलिए हैं कि नॉन क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस की पॉपुलैरिटी एक ही समय पर बढ़ रही है जिस समय क्रिश्चियनिटी की डिक्लाइन हो रही है वेस्टर्न देशों में. जो लोग अपने आप को क्रिश्चियंस की तरह आइडेंटिफाई करते हैं उन लोगों की संख्या काफी गिर रही है वेस्टर्न देशों में. तो आज इस ट्रेंड के बारे में बात करते हैं. क्या वेस्टर्न देशों में क्रिश्चियनिटी कम हो रही है और वो हिंदुइज्म या एटलीस्ट पेगन प्रैक्टिसेस को और अडॉप्ट कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? वेस्टर्न देशों में रिलीजन का क्या फ्यूचर है और कैसे इंडिया और खासकर हिंदुइज्म के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन देशों में? क्या है वो अपॉर्चुनिटी, आइए पता करते हैं. हेलो हेलो, और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम. तो देखिए, वेस्टर्न देशों में पेगनिज्म कैसे बढ़ रहा है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पेगनिज्म होता क्या है. देखिए, जिस तरह लोगों को ये नहीं पता कि पप्पू एग्जैक्टली होता क्या है, उसी तरह से पेगनिज्म की भी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं रही है. पेगन शब्द क्रिश्चियंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो लोग क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में नहीं मानते थे, चाहे वो पॉलीथियस्ट हो, नेचर वर्शिपर्स हो या एग्नोस्टिक्स हो, ऐसे लोग जिनको भगवान में कुछ खास विश्वास भी ना हो. फिर वो चाहे हिंदूज हो या अमेरिकाज के मायंस या इनकाज हो या यूरोप के ग्रीक्स और रोमन्स हो या फिर तिब्बत के बुद्धिस्ट हो या जापान के शिंटो हो, इन सब को पेगन माना जाता है. और पेगन हमेशा क्रिश्चियंस के द्वारा एक नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है. जिस तरह से लेफ्ट विंग वाले उनसे डिसएग्री करने वालों को अंधभक्त बोलते हैं या कुछ राइट विंग वाले उनसे डिसएग्री करने वालों को एंटी नेशनल बोलते हैं. पेगन शब्द का मतलब गांव होता है और क्रिश्चियंस के मुताबिक पेगन वो गवार थे जो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी की विजडम को समझना नहीं चाहते थे. तो अर्ली क्रिश्चियनिटी जो थी वो एक तरह की नॉर्मेटिव इन्वर्जन थी पेगनिज्म की. यानी पेगनिज्म जो प्लूरलिज्म डाइवर्सिटी में विश्वास रखता था, अर्ली क्रिश्चियनिटी उसका उल्टा था. यानी वो डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे. और इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑथर कैथरीन निक्सी एंड हर बुक द डार्किनिंग एज, अर्ली क्रिश्चियंस ने पेगन कल्चर को पूरी तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया. टेंपल्स को तोड़ के, प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स, ऑथर्स और साइंटिस्ट का कत्ल करके और लाइब्रेरीज को जलाकर. और जब से यूरोप में एंशिएंट पेगन वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हुआ है तब से वेस्टर्न देशों में क्रिश्चियनिटी का बेसिकली एक मोनोपोली रही है. लेकिन देखिए, आज की स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं. पहला ट्विस्ट ये है कि ये मोनोपोली आज लगता है थोड़ी डगमगा रही है. पिछले साल प्यू रिसर्च सेंटर ने रिलीजन पर एक पोल किया था जहां पर उन्होंने पाया था अमेरिका में ऑलमोस्ट 20% लोग ऐसे हैं जो किसी भी खास रिलीजन में विश्वास नहीं रखते. इनफैक्ट ये पॉपुलेशन अमेरिका के कैथोलिक पॉपुलेशन से सिर्फ 1% कम है. इनफैक्ट जो मिलेनियल जनरेशन है अमेरिका की, वो अमेरिका की हिस्ट्री की पहली जनरेशन है जिसमें क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में है. इसी को मद्देनजर रखते हुए फ्रेंच पॉलिटिकल थ्योरिस्ट शांटाल डेलसॉल ने एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल किताब लिखी थी जिसका नाम था लफोन दे ला क्रत्योंते, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द एंड ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड. उसमें उन्होंने लिखा था कि इस समय पर जो वेस्टर्न देश हैं वो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का एंड देख रहे हैं. उनका मानना है कि आज के जो वेस्टर्न देश हैं वो सेक्स, रिलीजियस बिलीफ, सोसाइटी और फैमिली के जो इश्यूज हैं उन मामलों में क्रिश्चियनिटी से कम अग्री करते हैं और पेगन कल्चर से ज्यादा अग्री करते हैं. तो ऑब्वियसली सवाल उठता है कि भाई ये कैसे हुआ. और यहां आता है हमारा दूसरा ट्विस्ट. हमें प्यू रिसर्च के नंबर्स देख के शायद लग रहा होगा कि ये कोई नई बात है, लेकिन ये खिचड़ी देखिए पिछले 300 सालों से पक रही है. पिछले 300 सालों में यूरोप में क्रिश्चियनिटी बेसिकली एक डैम की तरह है जिसमें धीरे धीरे क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं. डार्क एजेस के समय पर जब चर्च पूरी की पूरी वेस्टर्न दुनिया को कंट्रोल करता था, उस समय ऐसी कोई भी स्पीच, ऐसा कोई भी साइंटिफिक रिसर्च, ऐसा कोई भी लिटरेचर, म्यूजिक या आर्ट जो चर्च अप्रूव नहीं करता था वो अलाउड नहीं होता था. और जब यूरोपियन देशों में एनलाइटनमेंट आया तो यही स्पीच, यही साइंटिफिक
साइंटिफिक रिसर्च, यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट और यही आर्ट बहुत तेजी से यूरोप में फैलने लगा। और कई हिस्टोरियंस जैसे कैथरीन निक्सी, स्टीफन ग्रीनब्लैट, पीटर गे, थॉमस ई रिक्स, एंड्रू साइडेल, इन सब ने काफी इंसाइटफुल रिसर्च करके दिखाया है कि ग्रीस और रोम जैसी एंशियंट सिविलाइजेशंस को डिस्कवर करने के बाद और इन कल्चर से इंस्पायर होने के बाद यूरोपियन एनलाइटमेंट शुरू होता है। Lucretius is on the nature of things is one of the great instances of cultural mobility. Taking it off the shelf and recirculating it, getting it copied and having it begin once again to be read turned out to have extraordinarily far-reaching consequence. What we know as monasteries are really just Epicurean communes with a Christian topsoil. जो फ्रेंच फिलोसोफर्स थे जिन्होंने यूरोपियन रेनेसांस को लीड किया था, पीटर गे जो एक इंग्लिश हिस्टोरियन है, वो तो इन फ्रेंच फिलोसोफर्स को मॉडर्न पेगन्स बोलते थे। तो वो क्रैक्स जो इस डैम में 300 सालों से बन रहे थे, वो क्रैक आज इतना बड़ा हो गया है कि उसमें से बहुत सारा पानी बाहर निकल रहा है। आज के जो वेस्टर्नर्स हैं, वो रीपेगनाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स हैं, वो सोसाइटीज में बहुत सारी बाधाएं डालना चाहते हैं, चाहे गे मैरिज पर बाधा हो। It's the middle of Pride Month, and there is a very scary anti-gay, anti-trans obsession on the right across the country right now. There have been several recent incidents where far-right white supremacist groups have targeted LGBTQ people. चाहे डाइवर्सिटी ऑफ थॉट पर बाधा हो, चाहे योगा और दूसरी तरह की स्पिरिचुअलिटी पर बाधा हो। Father Ripperger, is yoga a portal to demonic obsession? Possession? It is. It's not a big deal. I'm just doing it with good intentions. It's for fun. But if you're sitting under a yoga teacher, a guru, or somebody that does traditional yoga, you're opening the door to spirit. Yoga, is it demonic? Should Christians participate in it? Listen, it is a door to the demonic realm. Astrology, zodiac signs, people will look to those because they're looking for signs or answers or this or that. They don't want to look in the Word of God. If you are involved in tarot cards, if you're involved in astrology and signs and Leo and Cancer and this and that, you're inviting demons in. Astrology is of the devil. And I'll show you why. और वेस्टर्न देशों के जो लोग हैं, वो इस तरह की बाधाओं से परेशान हो गए हैं। पिछले कुछ डेकेड्स में क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ बिलीफ, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ लव, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ सेक्सुअलिटी, वो आज की वेस्टर्न जनरेशन के गले नहीं उतर रही। अगर आप आज के वेस्टर्न जनरेशन को देखेंगे तो मोस्ट मिलेनियल्स और जेंजी जो है वो गे मैरिज को सपोर्ट करते हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स को सपोर्ट करते हैं। आज के लोगों को डाइवर्सिटी पसंद है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, और इसलिए वो पेगन आइडियोलॉजी या नॉन क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि चाहे सनातन धर्म हो या दूसरे देशों की पेगन आइडियोलॉजीज हो, वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने के लिए काफी तैयार रहते हैं। फॉर एग्जांपल, रोम में जो एलीट्स थे, वो ओपनली अपने देवताओं को रिजेक्ट करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं देवताओं से जुड़े हुए जो त्योहार थे, उनको भी बड़ी खुशी खुशी मनाते थे। इंडिया में भी हमने देखा है कि आप चाहे एथीस्ट हो, एग्नोस्टिक हो या रिलीजियस हो, हिंदूज आपके साथ उतनी ही खुशी से होली दिवाली मनाएंगे। हमने इंडिया में एथीस्ट को आरती करते हुए भी देखा है। क्रिश्चियनिटी इतनी आसानी से इस तरह की चीजें अलाउ नहीं करती, और इसीलिए हम देख रहे हैं स्टैटिस्टिकली कि क्रिश्चियंस का जो नंबर है वो वेस्टर्न देशों में डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी अभी भी जस्टिस मार्कंडे कार्जू और ट्विटर की लड़कियों के बीच की लव स्टोरी की तरह ही अधूरी है। इस कहानी में अगला ट्विस्ट ये है कि भले ही क्रिश्चियनिटी डिक्लाइन कर रही हो, लेकिन लोग रिलीजन नहीं छोड़ना चाहते, स्पिरिचुअलिटी नहीं छोड़ना चाहते। प्यू रिसर्च ने भी यही पाया है, जो यंगर अमेरिकन्स हैं जो क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 10-15% एक्चुअली एथीस्ट बन रहे हैं। वास्ट मेजॉरिटी जो लोग है वो अभी भी अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं, और इसलिए अमेरिका का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रिलीजियस ग्रुप नन्स हैं। नहीं, ये वाली नन नहीं, वो लोग जो अपने आप को किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं मानते, लेकिन फिर भी अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं। यही नन्स जो हैं, वो यूएस की सबसे बड़ी डेमोग्राफिक बन गए हैं। इनफैक्ट क्रिश्चियन कैथोलिक्स और क्रिश्चियन इवेंजेलिकल से भी ज्यादा नन्स हैं आज अमेरिका में। इनफैक्ट 18-22 एज ग्रुप के जो जेन जी हैं, उसमें 40% अपने आप को नन मानते हैं, और इसलिए प्यू रिसर्च का ये मानना है कि वो लोग जो अपने आप को नन मानते हैं या किसी भी रिलीजन से जुड़े हुए नहीं है, वो अमेरिका में मेजॉरिटी बनने वाले हैं 2070 तक। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि लोग ऑर्गेनाइज रिलीजन से परेशान हो गए हैं, लेकिन रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में अभी भी विश्वास रखते हैं। यानी वो इंस्टाग्राम से नफरत नहीं करते, वो इससे नफरत करते हैं। Can I call you baby? पहले तू बड़ा हो जा, बाद में दूसरों को बेबी बुला। मैसेज तो दूर की बात है मेरी जान, अब मेरे नाम का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। मैसेज भी नहीं, नोटिफिकेशन भी नहीं।
और एग्जैक्टली इसीलिए पेगन फिलोसफी और पेगन आइडियोलॉजी वेस्टर्न देशों में बहुत तेजी से फैल रही है। इंस्टाग्राम पे विचेस ऑफ टिकटॉक एक बहुत ही पॉपुलर हैशटैग है। इनफैक्ट खासकर औरतों में पेगन फिलोसफी इतनी तेजी से फैल रही है कि अब तो उनका मजाक भी उड़ने लग गया है। We're going to be looking at zodiac sign cringe. Will you marry me? Oh my god, is that a Valeria ring? Yes. Wait. What's your sign again? I just have a few questions to ask you just to make sure that our star signs are aligned. और भले ही वेस्टर्न देशों के लोग ये रियलाइज ना कर रहे हो, लेकिन जो पेगनाइजेशन हो रही है उनके देशों की, उसमें सनातन धर्म की प्रैक्टिसेस और सनातन धर्म की आइडियोलॉजी सबसे प्रोमिनेंट है। रोमन फिलोसोफर सिमिकस ने एक बार कहा था कि ब्रह्मांड की मिस्ट्री इतनी बड़ी है कि उसको समझने का सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता, और वेस्टर्न देशों के जो यंग लोग हैं वो भी अपनी लाइफ को जीने के अलग अलग डाइवर्स तरीके देखना चाहते हैं। वो प्लूरलिज्म को इम्ब्रेस कर रहे हैं और यही प्लूरलिज्म सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वसुधैव कुटुम्बकम् एकम् सत् विप्राह बहुधा वदंती। इसीलिए जो पेगन फिलोसफीज होती हैं, वो अलग अलग व्यू पॉइंट्स, अलग अलग तरह की स्पिरिचुअलिटी, अलग अलग तरह के सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को भी ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, सनातन धर्म में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, जैसे शैविज्म हो, वैष्णविज्म हो, सिखिज्म हो, चार्वाक हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, जो एक दूसरे से काफी डिसएग्री करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी भी एक दूसरे के बीच में उस तरह के युद्ध नहीं लड़े गए हैं जैसे क्रूसेड्स में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में लड़े गए थे। हिंदू सोसाइटी में हिस्टोरिकली एक थर्ड जेंडर के कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ट्रांसजेंडर्स को वेडिंग्स में और बच्चों के बर्थडे पर बुलाया जाता है क्योंकि उनका जो आशीर्वाद है वो बहुत पावरफुल माना जाता है। इनफैक्ट पिछले कुंभ मेले में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक अपना स्पेशल अखाड़ा भी दिया गया था। आप देख सकते हैं कि किन्नर समाज के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक मुकुट भी लेकर के आए। इन एन इंटरव्यू मोहन भागवत सेड एंड आई एम कोटिंग हियर, These people also have a right to live. We are bearing in mind that they are also human beings with an inalienable right to live. अब उत्तर प्रदेश में किन्नर यानी ट्रांसजेंडर को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने और उनके कल्याण के लिए एक अलग बोर्ड ही काम करेगा। एक बायोलॉजिकल एक विधा है, उसमें ये भी एक प्रकार। और मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है कि कुछ ऐसे हिंदू ग्रुप्स हैं जो आज भी गे मैरिज को अपोज करते हैं, जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। लेकिन मेरा मानना है कि जिस दिन भारत में गे मैरिज लीगलाइज होगा, सबसे पहले उसके सपोर्ट में हिंदू कम्युनिटी ही आकर खड़ी होगी। इनफैक्ट जो सनातन धर्म की स्पिरिचुअलिटी है वो वेस्टर्न देशों में इस समय बहुत पॉपुलर है। अगर आप योगा को देखें तो ग्लोबल योगा इंडस्ट्री $90 बिलियन की बन चुकी है, और योगा से जुड़ी हुई जो कपड़े की इंडस्ट्री है वो भी ऑलमोस्ट $35 मिलियन की बन चुकी है US में 2020 में, और 2030 होते होते $70 मिलियन तक पहुंचने वाली है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलमोस्ट 50,000 योगा स्टूडियोज हैं। 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलमोस्ट 35 मिलियन लोग यानी US की 10% पॉपुलेशन रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करते हैं। पिछले 12 सालों में योगा प्रैक्टिस करने वाले लोगों की तादाद 63% से बढ़ी है। अगर हम मेडिटेशन को भी देखें तो 2021 में US का मेडिटेशन मार्केट $1.86 बिलियन का था, और 2025 तक $2.5 बिलियन तक पहुंचने वाला है। US में ऑलमोस्ट 500 मेडिटेशन स्टूडियोज हैं। वेस्टर्न देशों में मेडिटेशन और योगा इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि हिंडनबर्ग भी सोच रहा होगा कि इस पे अडानी की तरह लगता है एक रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। इनफैक्ट मेडिटेशन इस समय वेस्टर्न देशों में कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंट है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में मेडिटेशन बहुत पॉपुलर है, व्हिच इज व्हाई इट इज नाउ बीइंग अडॉप्टेड इन अ होल strange variety of corporations from Google to Procter & Gamble to Aetna to Target to General Mills. These are the people who make Hamburger Helper and they have meditation rooms in every single building of their corporate campus. America mein top 100 jobs mein se 10th number aata hai yoga teacher aur instructor ka, aur wahan pe yoga teacher ki average salary hoti hai $62,000 yani lagbhag 42 lakh rupaye, aur yoga ek aisi industry hai jo duniya mein fourth सबसे फास्टेस्ट ग्रो हो रही है। I absolutely love doing yoga throughout this entire month. I saw so many benefits. वेस्टर्न देशों में एंग्जायटी, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। What you may not know is 20% of these veterans have PTSD, post traumatic stress disorder. Intrigued by my progress, I decided to do some research on PTSD and meditation and found several recent medical studies confirming what my heart already knew. Meditation lowers stress and anxiety levels, improves immune function, and lowers heart rate and blood pressure. It turns out that meditation generally makes people feel more positively, it helps diminish anxiety. So with that group, they use mindfulness-based cognitive therapy. They found that it cut the rate of relapse, of having depression again,
by 50%. एक और रीजन है कि क्यों फ्यूचर में पेगन फिलॉसफी और सनातन धर्म की जो फिलॉसफीज हैं वो वेस्टर्न देशों में और भी पॉपुलर होने वाली हैं और वो है साइकेडेलिक्स. Patients who have claims of insight, viewing themselves from a radically different perspective, from a different lens, and based on animal research, there also seems like there may be increased neuroplasticity in the system so that in the days following the psychedelic experience, people are more primed to learn new things. Jin logon ne psychedelics ko experience kiya hai, unhone aksar waise hi experiences describe kiye hain jis tarah ke experiences yogis ko aate hain. Unhone kaha hai ki unhone ek overwhelming sense of love towards the universe experience kiya hai, jisko yoga mein sachchidanand bola jata hai. An overwhelming feeling of interconnectedness. Wo apni thinking mein kam rigid hote hain aur kafi open bante hain, jo ki Abrahamic nahi balki ek dharmik tarika hai sochne ka. Aur psychedelics jo hain wo America ke एक स्टेट में ऑलरेडी लीगल कर दिए गए हैं और मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में और भी कई स्टेट्स में लीगलाइज होने वाले हैं. साइकेडेलिक्स के साथ एक इशू है कि आपके जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, बहुत इनकंसिस्टेंट होते हैं. लेकिन योगा के साथ जो आपके स्पिरिचुअल और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इनकंसिस्टेंट नहीं होते, उसको आप बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और आपका दिमाग भी एक बहुत काम स्टेट में होता है. तो सनातन धर्म, योगा और मेडिटेशन वो साइकेडेलिक्स से ज्यादा रिलायबल हैं मीनिंगफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने के लिए. तो इतनी इन्फॉर्मेशन देख के आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, फिर तो पक्का हो गया है कि पेगन फिलॉसफी जो है वो वेस्टर्न देशों में क्रिश्चियनिटी को रिप्लेस करने वाली है. लेकिन यहाँ आता है हमारा एक और ट्विस्ट. अगर हम करंट ट्रेंड्स को देखें तो देखकर ये लगता है कि क्रिश्चियनिटी को पेगन फिलॉसफी या सनातन धर्म नहीं बल्कि वोकिज्म रिप्लेस कर रहा है. देखिए, वोकिज्म एक फार लेफ्ट आइडियोलॉजी है जो कि क्रिटिकल रेस थ्योरी से आती है, जो मानती है कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, एक ओप्रेसर और दूसरा ओप्रेस्ड, यानी बिलीवर और नॉन बिलीवर. और जो लोग ओप्रेस माने जाते हैं उनकी ड्यूटी है कि ओप्रेसर्स का पूरी तरह से विनाश कर दिया जाए. तो वोकिज्म अगर आप देखें तो एक तरह से अब्राहमिक रिलीजन का लेफ्ट विंग रूप है. जिस तरह से अर्ली क्रिश्चियंस ने पेगन कल्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था, उसी तरह से वोकिज्म भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहती है. अगर आप अब्राहमिक रिलीजन और वोकिज्म को कंपेयर भी करेंगे तो काफी सिमिलैरिटीज हैं. क्रिश्चियनिटी में जैसे ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट होता है कि सभी लोग एक ओरिजिनल सिन के साथ पैदा होते हैं. Classic doctrine of original sin states that we are culpable for Adam's wrongdoing. Moreover, Adam's sin introduced into the human race a kind of corruption of human nature that is hereditary and passed from one generation to another. उसी तरह से वोकिज्म में भी ओरिजिनल सिन है, व्हाइट प्रिविलेज और ब्राह्मिनिकल प्रिविलेज. क्रिश्चियनिटी में भी सिर्फ एक अच्छा क्रिश्चियन होना काफी नहीं है, पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना जरूरी है. उसी तरह से वोकिज्म में भी सिर्फ एक अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, पूरी दुनिया को वोक बनाना जरूरी है. Why is it not enough to not be a racist as opposed to being an anti-racist? Kendi has argued for being anti-racist in a series of best-selling books. It's about what we're doing. You know, I'm encouraging people to constantly think about what are we doing or even not doing. So basically, wokeism jo hai, wo Western civilization ko puri tarah se khatam karke, ek revolution karke ek naya civilization banana chahte hain. Usi tarah se India mein bhi Indian civilization aur Sanatan dharm ko puri tarah se khatam karke, ek revolution karke ek naya civilization banana chahte hain. Lekin humne aksar notice kiya hai, chahe Iran ka Islamic revolution ho, Russian revolution ho, ya fir French revolution ho, aksar revolution ke baad jo civilization aati hai, wo purani civilization se भी कहीं ज्यादा खराब होती है. तो आप बात करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जब क्रिश्चियनिटी डिक्लाइन कर रही है, ऐसे देशों में वोकिज्म बढ़ रहा है, वहां सनातन धर्म जैसी पेगन आइडियोलॉजीज क्या कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को खत्म करने को सपोर्ट नहीं कर रहे यहाँ पे. अगर आप दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करने को तैयार है, अगर आप जबरदस्ती दूसरे लोगों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि क्रिश्चियनिटी वेस्टर्न देशों में डिक्लाइन कर रही है, तो क्रिश्चियंस जो हैं वो एशिया में आ रहे हैं, इंडिया जैसे देशों में आ रहे हैं और बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं लोगों को कन्वर्ट करने के लिए. तो इसलिए मैं भी मानता हूँ कि इंडिया को और सनातन धर्म को उनके घर में घुस के उनके लोगों को कन्वर्ट करना शुरू करना चाहिए. सनातन धर्म को भी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह एक कन्वर्टिंग रिलीजन बनना जरूरी है. एक और रीजन के सनातन धर्म को वेस्टर्न देशों में एक्शन लेना चाहिए और पेगन मूवमेंट की लीडरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सनातन धर्म और भारत ये लीडरशिप नहीं लेता तो वेस्टर्न देशों ने ऑलरेडी दिखाया है कि वो सनातन धर्म के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अप्रोप्रिएट करके, डाइजेस्ट करके सनातन धर्म से अलग करने को तैयार है. The term yoga
has become contaminated. They contaminated yoga, especially with their Hinduism and Buddhism. Oftentimes, worldly meditation will try to look inward. Biblical meditation is looking outward. It's looking out towards Jesus. लोग किताबें लिख रहे हैं, articles लिख रहे हैं, जो योगा को, meditation को सनातन धर्म से पूरी तरह से अलग कर रहे हैं. तो in conclusion, मेरा ये मानना है कि जो trends हम इस समय पे Western देशों में देख रहे हैं, वहाँ पर इंडिया के पास, खासकर सनातन धर्म के पास, एक बहुत बड़ी opportunity है, क्योंकि Western देशों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना जानते हुए भी सनातन धर्म की आइडियोलॉजी और सनातन धर्म के प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं और सनातन धर्म के लोगों को, सनातन धर्म के गुरुओं को, इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट को एक्शंस लेने चाहिए वेस्टर्न देशों में ऐसे लोगों में सनातन धर्म को प्रमोट करने की. क्योंकि अगर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इंडिया में आकर लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंडिया को भी उनके देशों में जाकर सनातन धर्म को फैलाना चाहिए. और इस समय इंडिया के पास परफेक्ट मौका है. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न देशों में पेगनाइजेशन बढ़ रही है? क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न देशों में सनातन धर्म जैसे कल्चर्स ग्रो कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? सनातन धर्म के गुरुज को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. बाकी अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, थम्स अप वगैरह दीजिए. और अगर हम सनातन धर्म की बात कर ही रहे हैं और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वेस्टर्न देशों में किस तरह से योगा को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, तो यहां पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियोस भी देखें. अगर आप श्याम शर्मा शो के नए इंट्रोडक्शन बनाने के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए गूगल ड्राइव के लिंक पर क्लिक करके उन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके एक बढ़िया इंट्रो हमारे लिए बनाकर भेजें. बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे. और आप सबको एक सेकंड प्रणाम.